प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सकें, इसके लिए जाने वाली विशेष बसें निशुल्क संचालित होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मानवीय और संवेदनशील निर्णय करते हुए कहा कि ये अत्यंत पीड़ादायक है कि अपने परिजनों के निधन के बाद शोकाकुल परिवार उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए थे। अब राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों के आवागमन की सहमति दे दी है और इससे शोक संतप्त परिजन अस्थि विसर्जन स्थलों पर सुगमतापूर्वक जा सकेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने बैठक में ये बताया कि अब राजस्थान से हरिद्वार एवं अन्य अस्थि विसर्जन स्थलों के लिए प्रतिदिन 4 या 5 बसें संचालित होंगी और ये बसें शुरू में प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों से और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जिला मुख्यालयों से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए मुफ्त बसें चलेंगी। राजस्थान और उत्तराखंड सरकार के बीच सहमति बन गई और उसके बाद पहले संभागीय मुख्यालय से ये बसें संचालित होंगी। प्रतिदिन 4 से 5 बसें हरिद्वार और अन्य अस्थि विसर्जन के जो स्थल हैं वहां पर जाएंगी और आवश्यकता अनुसार जिला मुख्यालय से ये बसें संचालित की जाएंगी।